आज की अपनी क्लास सेकंड क्लास तो आज हमने कल जो कंप्लीट किया था उसके बाद आज हम आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इन इक्वेशंस को जब हम बनाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आज हम वो सब चीज देखेंगे कि अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सीखा था कि क्या होती है। ठीक है, तो आज भी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई एम क्वेश्चन मैंने 5 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं क्लास 10 का। तो हमने कल डिस्कस किया था होमवर्क में ये सभी क्वेश्चंस। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक नहीं किया? अभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक नहीं किया इनमें से कोई भी क्वेश्चन? बताएं भाई, कोई है क्या जिसने नहीं किया क्वेश्चन? कर रखे रखे ठीक है भाई, रखे ठीक है भाई। तो हम पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें बताएगा, हम इसके बारे में एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे स्टूडेंट से क्योंकि सभी ने किया हुआ। अब बताएगा कोई, हर कोई बताएगा कि क्या आएगा आंसर। जिनसे पूछेंगे सिर्फ वही बताना भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताएगा हमें वो दीक्षा बताएगी भाई। हाँ भाई दीक्षा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे चेक करेंगे बताना, एक्सप्लेन करो थोड़ा। सर x प्लस 1 ब्रैकेट में स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x is equal to 2x minus 6. 2x minus 6, आगे? फिर 2x से 2x कट जाएगा। हाँ जी। फिर x square plus minus का 6 इधर आएगा तो वो plus का होके 7 आ जाएगा और is equal to में 0. ओ, x square plus 7 equal to? Plus 7 is equal to 0. क्या ये quadratic polynomial हुई? Yes sir. क्या कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल चेक करने की? सर a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और a क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज a? a क्या है? a से मतलब a कोएफिशिएंट से पूछिए भाई। भाई a 1 है ऐसे, a 1 है, इट मींस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ए क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, एक्स स्क्वायर ठीक है भाई, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास वो सात्विक करवाएगा भाई। क्या सेकंड पार्ट है? नहीं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे होगा। सर ए ए लेंथ तो ब्रेथ तो वो ले लेंगे एक्स। ब्रेथ एक्स, आगे? और सर जो लेंथ वो दे रखी है ब्रेथ के ट्वाइस प्लस वन है तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1। लेंथ हो जाएगी
एक्स प्लस वन, ठीक है। आगे एरिया, और सर इनका एरिया दे रखा है 528 और फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ जी, तो सर एक्स इनटू टू एक्स, एक्स इनटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 528 इक्वल टू 528। तो हाँ सर, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू 528। और इसको जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू जीरो। ऐसा ही है सात्विक? हाँ जी, हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई नमन, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वैभव करवाएगा भाई, सेकंड का फोर्थ। ओके सर, तो फोर्थ सर इसमें डिस्टेंस हमें गिवन है 480, डिस्टेंस हमें गिवन है 480 और हमने स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर पर आर, स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आर है, टाइम हमें दिया नहीं हुआ सर निकालना, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो सर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर ये टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे सर टाइम हमें निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू 480 अपॉन में x, टाइम इज इक्वल टू 480 बाय में x, सर ये तो स्मॉलर होगा और हम लार्जर लेंगे t1 इक्वल्स टू 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन में x माइनस 8, ये लार्जर होगा सर। हम बताओ सर, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल्स टू 3, लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 3, लार्जर कितना है इसमें सर? लार्जर है 480 अपॉन में x माइनस 8, ये भी किसके फोन में हो रहा है क्या सर? डिस्टरबेंस हो रही है काफी, कहाँ बैठे हो रहे? चलो हम तो साइलेंट है सर, एकदम कोई बोल ही नहीं रहा हमारे आसपास। चलो ठीक है, आगे 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 बाय में x, 480 बाय x माइनस 8, मैं ऊपर लिखता हूँ 480 बाय x माइनस 8 माइनस माइनस 480 बाय अपॉन इक्वल टू इक्वल्स टू 3, ठीक है भाई। हाँ भाई, आया सभी को समझ में? यस सर, ठीक है भाई। तो हाँ भाई वंश, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, ठीक है भाई। तो चलो आज हम आज की क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हमारा नया टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी डाउट्स हो तुरंत ले लेना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक सिर्फ हमने बनाया था, अब हम उसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे आज सिर्फ एक सिंगल मेथड से, फैक्टराइजिंग से, जो आपने
पढ़ा भी हुआ है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको आप कहते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो मेथड आप करते थे उसकी हेल्प से आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि अगर हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज हम सिर्फ यही सीखेंगे अपने आज के इस लेक्चर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम दो चीजों में से ही सीखेंगे, तो सभी को जहां पे जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे या तो चैट के थ्रू बता देना या कैसे भी आप बोल के भी बता सकते हो। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि फैक्टराइज करना। फैक्टर का मतलब क्या होता है हमारे पास, फैक्टर का क्या मतलब होता है कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू बी फाइंड व्हाट टू मल्टीप्लाई टू गेट द क्वाड्रेटिक। जैसे अगर हम बात करें सिंपल फैक्टराइजेशन की, आप जनरल साइंस में बात करो, हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं कि कैसे फैक्टराइज होगा। जैसे मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा कि मैंने कहा एक 10 नंबर है अपने पास, इसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या होगा। तो आप कैसे करते थे 10 को फैक्टराइज, ऐसे 2 5 10, 5 1 5। तो 10 के जो फैक्टर्स होते थे उसको कैसे लिखते थे, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। मतलब कि जो फैक्टर्स होता था उसको आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते थे। तो सेम वे से हमारे पास 10 के रिप्लेस पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हम दो फैक्टर्स बनाएंगे। वो फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे वो इस प्रोडक्ट सिंबल को नहीं लगाता, प्रोडक्ट सिंबल अंडरस्टूड है अगर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो रही है और सेकेंड ओपन हो रही है तो उसके बीच में क्लियर होता है कि मल्टीप्लीकेशन साइन एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए देखो जो ये यहाँ पर गिवन है x+4 and x-1, तो मल्टीप्लीकेशन में ही है ये। इनके जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर आएगा x² + 3x - 4। तो इसका मतलब फैक्टराइजिंग क्या होगा कि हम ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करें जिनको अगर हम प्रोडक्ट करवाएं तो हमारे पास ये क्लियर नंबर बने। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, x² + 3x - 4 = 0। तो इसके लिए हम क्या करते थे फैक्टराइजेशन में कि हम सम करें तो कितना आए +3 और प्रोडक्ट करें तो कितना आए -4। इसके लिए हम 2 नंबर सिलेक्ट करते थे। क्या सिलेक्ट करते थे, 2 नंबर। वो नंबर सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ था कि अगर इन दोनों में डिजिट्स के वाइज अगर हम देखें, अगर 1 का डिफरेंस हो तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, क्या नंबर होंगे भाई हमारे पास, अगर प्रोडक्ट करें तो वो आएगी -4, अगर सम करें तो +3 आएगा। तो उसके लिए एक तो प्रोडक्ट वाली डिजिट आएगी, सेकेंड वन हमारे पास क्या आएगा -1। कितना आएगा -1। हमें साइन मैनेज करने होते हैं, मतलब हमें यहाँ से इतना तो पता चला था कि जो हमारे पास ये डिजिट्स होती हैं, इन डिजिट्स में अगर 1 का डिफरेंस हो, एक तो प्रोडक्ट वाली डिजिट आती है और एक आता है 1। अब साइन मैनेजमेंट आपको देखना है कि साइन मैनेज कैसे करना है। अगर आप -4 लेते हो, -4 और +1 लेते तो हमारे पास प्रोडक्ट तो -4 आ जाती, बट जब हम इनका एडिशन करते तो -3 आता। तो हमें नहीं चाहिए -3, हमें क्या चाहिए +3। इसका मतलब ये वाली साइन कन्वेंशन तो नहीं हो सकती। क्या होगा, ये वाली साइन कन्वेंशन नहीं हो सकती। फिर हमने चेक किया अगेन दूसरी साइन कन्वेंशन, दूसरी साइन कन्वेंशन में हमने क्या सोचा कि हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का ही 4 और माइनस का ही 1। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट प्लस फोर आएगी, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस फोर, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। देन अगेन हमने क्या देखा कि हमारे पास या तो प्लस फोर साइन होगा और माइनस वन हो सकता है। जब हमने ये देखा तो प्रोडक्ट चेक की तो माइनस फोर आ रही थी और सम चेक किया तो कितना आ रहा है इनका, प्लस थ्री। इट मीन्स हमने देखा कि साइन कन्वेंशन ये होनी चाहिए, प्लस का फोर माइनस का वन। तो इसीलिए हमने दो नंबर अपने सिलेक्ट कर लिए, वो दो नंबर हमारे पास क्या आ गए, प्लस फोर माइनस वन। ये तो आपको नाइन्थ में भी काफी अच्छे से सिखाया हुआ है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करने चले तो कैसे करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको आप स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को, तो क्या आएगा, प्लस का 4x माइनस का 1x माइनस का 4। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x, अगर x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 4 और x माइनस 1। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो दोनों आए वो देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है, तो इट मीन सिंपल इनका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हुआ। कि ये जो फैक्टराइजेशन हुआ ये हमारा क्वाड्रेटिक के केस में हुआ। तो हम जो फैक्टराइजेशन अभी तक करते थे वो हम सिंपल नंबर्स पे करते थे, तो अब हमने धीरे धीरे क्या किया, अपने स्टेप को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने अब नंबर के बजाय अब हम पॉलिनोमियल पे काम करने लगे। तो यहां तक बताओ अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है। हाँ जी, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो अब आपको दो चीजें देखनी है। एक आपको नीचे ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर जैसे आप अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। अब क्वेश्चन को पहचानना भी है कि कैसे आएगा। अब इसके इज इक्वल टू में आया एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस वन। जब वो क्वेश्चन कहता है कि फैक्टराइज दिस, अगर वो कहे फैक्टराइज दिस लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर आएगा ये, मतलब कि क्या है कि इस इक्वेशन के ये क्या है, फैक्टर्स, इस इक्वेशन के ये क्या है, फैक्टर्स, और इस इक्वेशन के ये क्या हो जाएंगे। अगर वो ये क्वेश्चन दे एग्जाम में तो वो क्या लिखिएगा, एक्सपेंड दिस, इसको क्या करो, एक्सपेंड। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। तो ऐसा ही सेम हमने यहां बनाया कि जो ये है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनती है। जब क्वाड्रेटिक को ये फैक्टराइज करने के लिए बोलता है तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स बनते हैं। तो आपको डिफरेंशिएट हुआ कि अगर फैक्टर्स के लिए कहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, अगर वो एक्सपेंड के लिए देगा तो हमें वो फैक्टर्स देगा, तो हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वो बोले भाई, वरना हम आगे चलते हैं। है भाई किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, इसमें कोई सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। हाँ जी, इस दूसरा नाम इसका यही हुआ, फैक्टराइजेशन का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। ओके सर, जो आपने उस क्लास में किया ना नाइन्थ में, सेम वही है। तो अब देखो अब हम चलते हैं आगे। तो आगे अब हम कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं एनसीईआरटी के। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अब हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी का। तो इसमें क्या गिवन है, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये मैंने आपकी बुक का एग्जांपल लिया है, तो ध्यान से देखना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है।
हाँ भाई अमनदीप बताओगे कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे? बताता हूँ सर अभी आपको जी बताओ, सम करेंगे तो माइनस फाइव आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो सिक्स आना चाहिए। बताता हूँ सर अभी मां बताओ कुछ 2x-3x मतलब कि एक नंबर आएगा माइनस का 2 और दूसरा आएगा माइनस 3, यही दो नंबर आएंगे ना? हाँ जी है यस सर। ठीक है भाई, तो देखो इन दोनों नंबर से हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस 2 एंड माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3। हाँ भाई हर्षित करवाओ इसको फैक्टराइज, कैसे ये आगे होगा? 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 2x-3x+3 = 0 आगे सर 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन, x-1 और सर अब इसमें लेंगे कॉमन -3 कॉमन आ गया सर, -3 कॉमन तो x-1 तो ये क्या बन गया 2x-3 और x-1। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स। अगर वो रूट्स के लिए बात कर रहा है तो हम इसको इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 0 x कितना आ जाएगा 3, x कितना आ जाएगा 3/2, यही होगा हर्षित? यस सर। ठीक है भाई, तो हमारे पास 3/2 और 1 क्या आ गए, जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। यस सर। हाँ भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। ये भाई पहले अपना माइक म्यूट कर लें भाई, अगर आप शोर में बैठे हो तो पहले अपना माइक म्यूट कर लो। अब हम आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x square। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को गिवन है 3x square-2√6x+2 = 0। तो इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में आपको ये देखना है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो काफी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि इनके फैक्टर्स कैसे बनाएं, और मैं ये कहता हूं कि इनके फैक्टर्स बनाना सबसे इजी है, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनसे के कंपैरिजन में इनके फैक्टर्स बनाना बहुत इजी है। तो देखिए हम इनके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x square-2√6x+2 = 0। तो अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखो कि सम करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 2√6, और प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, प्लस का 6। तो इसके लिए हमें दो नंबर चाहिए। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक चीज ही नोट करना है कि जो प्रोडक्ट है उसको फैक्टराइज करो, सिंपल प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि सम में रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है 6, तो इसका मतलब हमें एक रूट 6 तो चाहिए। तो इसका मतलब इसी की ही 6 के दो ही मतलब हो सकते हैं, 6 को आप दो ही बेस, एक ही बेस ही लिख सकते हो, सिंगल रूट 6 इंटू रूट
सिक्स। इसका मतलब यही दोनों इसके क्या होंगे फैक्टर्स, रूट सिक्स एंड रूट सिक्स। अब साइन देखो, दोनों फैक्टर्स रूट सिक्स एंड रूट सिक्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस सिक्स, लेकिन जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा टू रूट सिक्स, लेकिन हमें चाहिए माइनस का टू रूट सिक्स। तो इसके लिए हम दोनों के दोनों साइन किसके करने पड़ेंगे माइनस के, ताकि यहाँ पे क्या है माइनस का टू रूट सिक्स। अगर प्रोडक्ट में दोनों साइन माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट तो ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव। तो यहां तक बताओ भाई, कोई डाउट कि हमने कैसे इनके फैक्टर सिलेक्ट किए? नो सर। ठीक है सर, वो बीच में आवाज कट रही है, तो आप फिर से बताना एक बार वो ना, आप फिर रिकॉर्डिंग वीडियो में सुनना भाई। ओके सर, ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर हम लेवर कर देते हैं तो आप वहां से कैच कर लेना अपना जो मिस हो जाता है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आ गई 3x2। क्वेश्चन था ये, अब हमने इसके फैक्टर्स किए तो क्या आया 3x2 माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस का 2। हाँ भाई ईशान, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? एक सेकंड सर, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? रूट थ्री एक्स। यस सर, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस रूट टू। नहीं, ध्यान से देखो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट में सर माइनस रूट टू कॉमन आ रहा है सर, रूट टू कॉमन, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। तो क्या फैक्टर्स हो गए, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और सेकंड क्या हो गया रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। हाँ भाई, आया समझ में? आगे कैसे होगा इंसान? सर मैं सर रूट से रखो सर, जीरो इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, रूट टू एक्स इज इक्वल टू रूट टू डिवाइड बाई रूट थ्री, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ठीक है भाई, यस सर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे रूट्स। बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है भाई, तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आता है होमवर्क, कि आज सिर्फ हम इतना ही देख रहे हैं कि हमें क्या करना था। वो हमने देखा कि सिंपल फैक्टराइज ही करना था, तो सिंपल फैक्टराइज हम कर चुके हैं इसमें। तो अब आपको इन इक्वेशन के पांच फर्स्ट पार्ट में क्या करना होगा, ये होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इनके आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सभी के फैक्टर्स बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, जो अपने पास वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला एग्जांपल था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, उसको आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ एंड फाइव एंड सिक्स में आपको स्टेटमेंट बना के इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये बताओ सभी कर लोगे ये क्वेश्चन, होमवर्क है आज का ये? यस सर, कर लेंगे सर। यस सर, कल हम इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे भाई, कल हम पूरी क्लास में आते ही हम ये सभी क्वेश्चन आप सभी से पूछेंगे। ठीक है भाई? ओके सर। तो हम आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही भाई। बाय बाय सर।